हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आप ये देख रहे हो, ये एक बोरोसिल का टी मेकर है और टी पॉट है ये। और इस तरह से देख सकते हो आप, ये हर तरफ से क्रैक हो चुका है। तो बहुत डेलिकेट होता है जो बोरोसिल का ग्लास होता है। तो इसका जो एक पैच ये बना हुआ है, ये पूरा निकल चुका है। तो फिर भी मैंने इसको एडजस्ट किया है। तो इसको आज एज ए प्लांटर यूज़ करूँगी मैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने जूट का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसको मैं इंडोर रखूँगी। और जूट से इसकी जो लुक है बिल्कुल नेचुरल लगेगी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से फेविकोल की हेल्प से मैंने इस तरह से केयरफुली ये जो इसका एक पैच निकला है, इसको इस तरह से रखकर मैंने इसके अराउंड जो है जूट की रूप को घुमा दिया था। तो बहुत ही इजीली बन जाता है। मैंने अपनी बहुत सारी इस तरह वीडियोस में जूट का इस्तेमाल दिखाया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है इस तरह से किसी भी चीज़ को जूट के साथ डेकोरेट करना। बोरोसिल का टी पॉट है अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें मैंने मिट्टी भी फिल कर ली है क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रैक्स हैं और जूट जो मैंने रैप की है उसमें भी स्पेस है। तो इसमें जो है वाटर ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम बना रहेगा। क्योंकि ये इंडोर रखने वाली हूँ तो इसमें पानी भी मैं केयरफुली दूँगी। और इसमें मैंने जो मोस्टली कोकोपीट ही मिक्स की है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मनी प्लांट नोड एरिया के साथ, जैसे इस पे नोड पे रूट्स बनी हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आपका प्लांट जो है मनी प्लांट ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो इन सब कटिंग में आप देख सकते हो रूट्स बनी हुई हैं। इस तरह से मैंने इनको सिंगल सिंगल करके लगा दिया है। तो अगर इसमें 50% भी अच्छे से ग्रो हो जाती है तो भी मेरे पास ये अच्छे से एक जो मनी प्लांट का पॉट है या प्लांटर है अच्छे से तैयार हो जाएगा। बट क्योंकि इसमें रूट्स बनी हुई हैं तो ये इजीली ग्रो हो जाएगा। और क्योंकि इसका सीज़न भी अच्छा चल रहा है तो इस तरह से देखिए मेरा प्लांटर ये जो है तैयार हो चुका है। और इसको मैं अभी रखने वाली हूँ इनडोर में। और इसकी ये देखिए, ये स्टिक्स है, इसमें रूट्स बनी हुई है। इसको भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, चाहे इसमें पत्ते हो या ना हो, बस रूट्स का होना ज़रूरी है। इससे हमारी
जो प्लांट की ग्रोथ है स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई किचन से वेस्ट निकला है जिसको कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप इसको इस तरह से बना सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको इसकी जगह पे ले चलती हूँ इस तरह से। तो मैंने इसको रखा है अपने ड्राइंग रूम में, यहाँ पे जो कॉफ़ी टेबल होता है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।